हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम चेतन भागवतन के दूसरे दिन भगवान कृष्ण की, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करेंगे। वैसे पहले हम कीर्तन करेंगे, जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन मल्लभ गिरिवर धारी, यशोदन नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना पीरावन जय माधवी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अब हम आज चेतन चरितामृत के चेतन भागवतम के पहले अध्याय से आदि खंड
चैतन्य भागवतम के आदि खंड के पहले अध्याय के पहले श्लोक का कल हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने चैतन्य महाप्रभु को रिस्पेक्ट किया था मंगलाचरण के कारण। वो मंगलाचरण हम पीछे करेंगे। राजान लंबिता भुजाओ कनकावदातयो संकीर्तना के संकीर्तना पितरौ कमल कमलायक्ताक्षयो विशंभर द्विजवरायो युगधर्म पालयो वंदे जगत प्रिय करयो करुणावतारयो। कल हमने श्रवण किया था कि दोनों भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, दोनों की भुजाएं लंबी हैं, दोनों की भुजाएं घुटनों तक जाती है। तो इसमें बोला गया है कि द आर्म्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी, जो महापुरुष होते हैं उनकी भुजाएं लंबी रहती हैं। द आर्म्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी स्ट्रेच टू द नीज एज इंडिकेटेड बाय वर्ड अजान लंबिता भुजाओ, जबकि ऑर्डिनरी लोगों के जो आर्म्स हैं वो छोटी रहती है। ये वो दोनों विष्णु तत्व हैं। और जो सारे सिम्टम्स है ग्रेट पर्सनालिटी में होते हैं वो इन दोनों में थे, क्योंकि उनके उनका शरीर आध्यात्मिक है, इनका शरीर जो है वो आध्यात्मिक है। चेतन चेतमन कहा गया वन हु इज मेजर्स 4 क्यूबिक्स इन हाइट, जो हाइट में 4 क्यूबिट्स जैसे हाथ से नापते जो हाइट और ब्रेथ में अपने हैंड के बराबर रहता है, वो ग्रेट पर्सनालिटी के लक्षण माने जाते हैं। और कल न्यग्रोध्य परिमानंदम, चैतन्य महाप्रभु जिनमें सारे ग्रेट क्वालिटी हैं, उनके उनके जो शरीर है वो न्यग्रोध है, परिमंडल है, उनके जो भुजाएं हैं इतनी लंबी है कि घुटने तक पहुंचती हैं, उनकी आईज जो है वो लोटस फ्लावर के समान है, उनकी जो नोज है नासिका है वो जो तिल का पौधे का फूल रहता है उसके जैसी है, और उनका फेस जो है एज ब्यूटीफुल एज द मून जो चंद्रमा के समान। ये हमने कल श्रवण किया था। इसके बाद बोला गया कि आगे आता है कनकावदात, दोनों दोनों जो हैं चैतन्य महापुरुष नित्यानंद प्रभु सारी लीलाएं जो करते हैं वो भक्तों के भाव में करते हैं, डिवोटी के मूड में करते हैं। उनके कॉम्प्लेक्शन जो है गोल्डन है और वो विषय विग्रह है, शेल्टर ऑफ ऑल सभी डिवोटीज के विषय हैं, विषय विग्रह है मतलब सब डिवोटी के ऑब्जेक्ट वही हैं। और वो सारी आध्यात्मिक सुंदरता के सोर्स है, स्रोत है, वे सारे जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और नित्यानंद प्रभु उनके पर्सनल विस्तार है, व्यक्तिगत विस्तार है। जैसा महाभारत में कहा गया है दान धर्म विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत में सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनाग्नि चंदनाग्नि, उनके अर्ली पास्ट टाइम में उनके पूर्व के लीलाओं में वे एक सामान्य ग्रस्त जैसे दिखाई देते, गोल्डन कॉम्प्लेक्स, उनके अंग बहुत ब्यूटीफुल हैं,
उनकी बॉडी चंदन के लेप से सुसज्जित है और वो पिघले हुए सोने के समान है उनके शरीर का कांति। और इसमें जो वर्ड संकीर्तना संकीर्त नायिका पितरो, इसका है कि गौरांग महापुरुतरण प्रभु श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन के पितरो, उसके स्टार्ट करने वाले, उसके इनॉग्रेटर, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। चैतन्य चरितामृत में श्री कबीर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तार भजे सही धन्य, संकीर्तन प्रवर्त रख के श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तार भजे सही धन्य। जो चैतन्य महाप्रभु है संकीर्तन आंदोलन के उद्घाटन करता है, जो उनको वर्शिप करता है संकीर्तन के माध्यम से वो भाग्यशाली। यहाँ पे फिर द्विवचन भी, द्विवचन का अर्थ है विशंभर, विशंभर मतलब जो विश्वरूप, एक विश्वरूप है और एक विशंभर है, द्विवचन विशंभर और विश्वरूप। तो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों विष्णु तत्व हैं और उन्होंने भगवान का जो प्रेम विस्तृत किया है पूरे वर्ल्ड को, इसके कारण वो जाने जाते हैं विशंबर से और विश्व रूप से। उनके ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो अपनी कमेंट्री में लिखा, अपने चैतन्य महाप्रभु अपने पूर्व लीलाओं में विशंभर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वह पूरे संसार को भक्ति के सागर में डुबो देते हैं। और इस प्रकार से जीवों का पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम विशंभर। विशंभर का पालन करने वाले, विश्व को पालन करने वाले चैतन्य महाप्रभु इस जगत को नरिश करते हैं, पोषण करते हैं, मेंटेन करते हैं। विशंभर 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 विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा। ओ विशंभर, इस ब्रह्मांड को संभालने वाले मेरी रक्षा कीजिए, इस जगत का पालन करके। विशंभर का अर्थ दिया है अथर्ववेद में, जो वर शब्द द्विज वरऊ मतलब है दोनों चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों, दोनों ब्राह्मणों की ड्रेस में और दोनों ने आचार्य का रोल किया। केवल ब्राह्मण ही संन्यास लेने के योग्य होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य जो होते हैं वो संन्यास लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं होते जब तक कि ब्राह्मण नहीं हो जाए। तो इसीलिए बोला गया आश्रम को देखते हैं केवल ब्राह्मण को ही द्विजवरा बोला गया, दोनों गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के आचार्य का रोल उन्होंने किया है और इस जगत के लोगों को भक्ति की, भक्ति कैसे की जाती सेवा बताई। इसलिए वे ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के क्रेस्ट जो है उन्होंने इस जन्म में, इस अवतार में
चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को गाय चराने वाले जो पिछले कृष्ण बलराम के रूप में थे वैसी लीला नहीं की, या रास लीला भी नहीं की, जो वृंदावन की लीला है वो माधुरी लीला थी, यहाँ पे औदार्य लीला है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, यहाँ पे अलग अलग रूप में आए। द्विज वरव मतलब है द्विज रजव, ऐसा लगता है दोनों चंद्रमा एक साथ हो गए हैं। जो युग शब्द है उसको इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया, युग कैसा है, महायुग, एक महायुग जो होता है जिसमें चार युग होते हैं, वो 43,20,000 ईयर्स 43,20,000 साल का होता है महायुग, जिसमें चार युग रहते हैं, और उसके कल्प जो रहता है वो 1,000 महायुग का रहता है। ब्रह्मा के इसमें 14 मनु रहते हैं, हर मनु का कार्यकाल 31 महायुग का रहता है। इस महायुग का 1/10 हिस्सा जो कलयुग है, 2/10 हिस्सा द्वापर युग है, 3/10 हिस्सा त्रेता युग है, 4/10 हिस्सा सतयुग है। युग धर्म क्या है, इसमें सारे नाम आए कि बोला गया ना, जो मंगलाचरण है श्लोक के बोला गया, आजानुलंबिता भुजा कनका अवदातु संकीर्तनायिका पित्रम कमल कमल आयक चक्षु विशंभरो द्विजवरो युग धर्म पालयो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। यहाँ पे बोला गया है युग धर्म, इसमें युग धर्म पे शब्द आया है। युग धर्म क्या है, सतयुग में आत्म साक्षात की विधि थी ध्यान, त्रेता युग में थी यज्ञ, द्वापर युग में है अर्च वगैरह की पूजा, कलयुग में है नाम संकीर्तन। जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया, 12वें स्कंद में बताया गया, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखर द्वापरे परिचर्यायाम कलयो तदधारी कीर्तन कीर्तना। सतयुग में जो भी रिजल्ट प्राप्त करते थे विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में वही रिजल्ट यज्ञ करने से आता है, द्वापर युग में भगवान के अर्चना से आता है, कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आता है। इसके बाद श्रीमद् भागवतम में और भी कहा गया, कलर दोषे निजे राजन, कलर दोषे निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे, माई डियर किंग, हालांकि कलयुग दोषों का सागर है लेकिन कलयुग में गुड क्वालिटी भी है, केवल मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके
व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक राज्य में जा सकता है, आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। श्रीमद् भागवत आगे बोलता है, कलिम समज्जयन्त्य आर्य गुण जनसर भगसे भागिन यत्र संकीर्तनेव सर्व स्वारथो अभ्यते। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में एडवांस में हैं वो कलयुग की प्रशंसा कर पाएंगे। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में, इस पतित युग में जीवन की सिद्धि केवल संकीर्तन करके प्राप्त की जा सकती है। विष्णु पुराण में भी कहा गया, ध्यायन कृते यज्ञ यज्ञे से त्रेतायाम द्वापरे अर्चयम यद आपनोति तदापनोति कलयुग संकीर्तन केशव। जो भी सतयुग में ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान करके त्रेता युग में यज्ञ करके द्वापर युग में भगवान कृष्ण के चरण कमल की अर्पण करके कलयुग में केशव के नाम को ग्लोरीफाई करके किया जा सकता। युग धर्म पाले, इसका वर्णन स्वीकार कर गया है। शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्र कर्म कांड में डील करते हैं उनके अनुसार जो कर्म कांड को डील करते हैं उसके अनुसार रिलीजियस प्रतिफल द एज ऑफ कलीज चैरिटी, जो कर्म कांड को देखते हैं उनके अनुसार कलयुग के धर्म है दान। पर जो युग धर्म के पालक हैं श्री गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने संकीर्तन का यज्ञ का आरंभ किया, इसलिए श्रीमद् भागवतम की 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्रायर यजंती ही सुमेधशः। इस कली के इस युग में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो संकीर्तन करते हैं भगवान के, अवतार की पूजा करते हैं, ये गौर वर्ण अवतार की पूजा करने के लिए उनके कहे के अनुसार संकीर्तन यज्ञ करते हैं। इसका हरे कृष्ण का, हालांकि चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है वो गोल्डन है, वो कृष्ण स्वयं है और वो अपने पार्षदों के साथ चलते हैं, सेवकों के साथ चलते हैं, अपने आयुध के साथ में और अपने गोपनीय पार्षदों के साथ। रूप गोस्वामी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरित से। मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण चैतन्य को, जो भगवान के किसी और अवतार से भी ज्यादा औदार है, कृष्ण शिष्य भी जो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण शिष्य भी ज्यादा उदार है, कृष्ण से भी ज्यादा उदार है चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि वो
उस चीज को बांटते हैं जिसको आज तक कभी किसी ने दिया नहीं, क्या? प्योर लव ऑफ कृष्ण, कृष्ण का शुद्ध प्रेम। तो मैग्नानिमिटी, उदारता जो है, एक चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। और प्रेम का वितरण उनकी लीला। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी, भक्ति सिद्धांत सरजी ठाकुर लिख रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चैतन्यमत्व बोलते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य दया करहे विचार, विचारे करीते चित्ते पावे चमत्कार। श्री कृष्ण चैतन्य दया कर विचार, विचारे करीते चित्ते पावे चमत्कार। अगर आपको कोई लॉजिक या आर्गुमेंट लगाना है तो चैतन्य महाप्रभु की दया पे, कृपा पे लगाइए। अगर आप उसमें अपने विचार और लॉजिक लगाएंगे तो आपको सब कुछ अद्भुत लगेगा। भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की इस दया के बारे में लिखा है। निताई चैतन्य बोले दा करे हमारे मन, मेरे मन प्लीज चेंट द मोस्ट मर्सीफुल नेम निताय चैतन्य। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, निताय चैतन्य बोले दा करे आमार मन, मेरे प्रिय मित्र मन ये जो मोस्ट मर्सीफुल निताय चैतन्य का नाम का जप। वास्तव में जो चैरिटी गौर नित्यानंद ने दी है वो मैचलेस, इसका कोई मैच नहीं हो सकता। सुप्रीम है, श्रेष्ठ है और यूनिक। ये दोनों लोग युग धर्म के पालन करता है और शुद्ध विशुद्ध दया के देने वाले। ये जगत प्रिय कर, इसका मतलब है कि गौर नित्यानंद पूरे जगत का हित करने वाले। चेतन चेतावत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, सही दुई जगत तेरे हये सदा है, गौड़ दे से पूर्व से ले करी ले उदा। सही दुई जगत तेरे हये सदा है, ऐ चंद्र सूर्य दुई परम सदय, जगत तेरा भाग्य गौड़े करिला उदय। ये दोनों जो है ईस्टर्न हॉरिजन से, पूर्व से उगे हैं, गौड़ देश के पूर्व से उगे, मतलब वेस्ट बंगाल से उगे, और फॉलन कंपैशनेट है किसके, इस जगत के, इस संसार के पतित लोगों के लिए करुणामय। इनको ऐसा ही बोला गया कि दोनों सन और मून के समान है और इस जगत के, इस संसार के लोगों के ऊपर बहुत दया करने वाला, जिससे सब लोग सौभाग्यशाली हों। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितम्, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्वंतो चित्रो सनदो तमो नुदो। मैं इन दोनों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को, जो कि चंद्रमा और सूर्य के समान है, ये दोनों गौड़ देश के क्षितिज में पूर्व में उदय हुए हैं, इस जगत से डार्कनेस को खत्म करने के लिए और सबको बेनेडिक्शन देने के लिए।
दोनों करुणा अवतार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विदग्ध माधव के इंट्रोडक्शन में बताया गया, अनर पिता चरित चरिम चिरात करुणा अवतारे कलौ। अनर पिता चरिम चिरात करुणा अवतारे कलौ। ये लोग दोनों लोग इस कलयुग में कॉजलेस मर्सी देने के लिए अवतार लिए, जो और कोई अवतार नहीं दे सकते। करी इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वामी चेतन चेतामृत में लिखते हैं कि इस संसार में मुझे कौन अपनी कृपा दे सकता है नित्यानंद प्रभु के अलावा, मेरे जैसे पतित व्यक्ति, क्योंकि नित्यानंद प्रभु प्रेम से प्रेम के मद में है, प्रेम बांटने के, वो अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि नित्यानंद की कृपा से मुझे मदन मोहन के दर्शन हुए, और इस तरह से उन्होंने मदन मोहन को मेरा लॉर्ड बनाया और अपना मेरा स्वामी बनाया। तो ये सब पहले श्लोक का जो था उसका लंबा अनुवाद है, इसके बाद और भी बाकी दूसरे श्लोक आएंगे। पहला और दूसरा श्लोक थोड़ा लंबा अनुवाद था। पहला श्लोक कौन सा था? आजानुलंबित भुजो कनक अवदातयो उसका अनुवाद श्लोक नंबर 2 से कर। श्लोक नंबर 2 में है, नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथा सुतया च सभतया स पुत्राय सकलत्रया ते नमः। इसके बाद आगे इसमें कहा जा रहा है, हे मेरे प्रभु, वृंदावनदास ठाकुर बोल रहे हैं, हे मेरे प्रभु, आप हमेशा नित्य हैं, शाश्वत रहने वाले हैं, पास्ट में भी, भूतकाल में भी थे, वर्तमान काल में भी और भविष्य काल में। आप जगन्नाथ मिश्रा के नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च, आप जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं बार बार आपके पार्षदों के साथ में। आपके पुत्र मतलब कौन है? गोस्वामी जो शिष्य छह गोस्वामी और दूसरे गोस्वामी, और आपके पार्षद, आपकी संगिनी विष्णुप्रिया जो भूल शक्ति है, और लक्ष्मी प्रिया जो श्री शक्ति। तो आपके पुत्र गोस्वामी, यह आपका चैंटिंग होली नेम अभी अभी आपसे निकला है। आपकी जो संगिनी है विष्णुप्रिया जो भू शक्ति है, लक्ष्मी प्रिया जो श्री शक्ति है, और नवदीप धाम जब आपकी नीला शक्ति है, और दो गंधर्व जो नरहरि और रामानंद जगदानंद और सारे आदर, मैं इन सबको प्रणाम करता हूं। तो इस तरह से इस दूसरे श्लोक में, चैतन्य भागवत के दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु परम सत्य हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में थे, इटर्नल हैं। मैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु को, गौर सुंदर को प्रणाम करता हूँ जो जगन्नाथ के पुत्र हैं,
और उनके सर में सन चैतन्य महाप्रभु कोई पुत्र नहीं था, लेकिन नाम भगवान का नाम चैतन्य महाप्रभु का पुत्र कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु से उदित और छह गोस्वामी उनके सारे शिष्य, उनकी संगीनी और उनके दूसरे पार्षद, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे बोला गया जगन्नाथ सुता सिंगुलर शब्द है, क्योंकि गौर सुंदर ही उनके पुत्र हैं। जगन्नाथ जी का जो दूसरा, जगन्नाथ मिश्र का जो दूसरा सन है विश्वरूप, या जो बाद में शंकरायन शंकरान्य स्वामी हो गया, वो यहाँ नहीं मेंशन। और विश्वरूप ने तो बचपन में ही संन्यास ले लिया था और उनके कोई शिष्य नहीं थे। तो सपुत्र शब्द क्यों प्रयोग किया गया गौर सुंदर के लिए, कि जो गौर सुंदर के तो कोई पुत्र नहीं था, तो इसमें लिखा है कि भगवान के जो गोस्वामी डिसाइपल है वो उनके पुत्र माने जाते हैं, और जो उनके हाउस होल्डर डिसाइपल है वो उनके सर्वेंट माने जाते हैं, और जो सन्यासी हैं अच्युत गोत्र वाले वो लॉर्ड, वो भी लॉर्ड के भगवान के चैतन्य महाप्रभु के पुत्र माने जाते हैं। उपदेशामृत के शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु ने उनके फॉलोअर्स को त्रिदंडी सन्यासी स्थापित किया है। वे वास्तव में भगवान के फैमिली मेंबर ही हैं, और जैसे अच्युत प्रभु जो है अद्वैताचार्य के जो पुत्र है वो अच्युत गोत्र का फाउंडर है, अच्युत गोत्र उसी से आया, अद्वैत आचार्य के पुत्र, उसका नाम था अच्युतानंद था, अच्युत प्रभु भी बोलते, और इसलिए उसको अच्युतानंद बोला जाता है। नित्यानंद और अद्वैत के जो फॉलोअर्स हैं वो भगवान के सर्वेंट हैं। और जो गौर गौर नारायण के जो संगिनी है विष्णु प्रिया वो भू शक्ति है, और लक्ष्मी प्रिया श्री शक्ति है, और नवदीप धाम जो है नीला लीला नीला लीला शक्ति है, और चैतन्य महाप्रभु के जो दूसरे संगी हैं गदाधर पंडित, गदाधर दास, नरहरि, जगदानंद, वक्रेश्वर, श्री रामानंद, श्री रूप सनातन और दूसरे गोस्वामी, तो इनमें से एक ही महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु, बाकी सब प्रभु हैं। इसके आगे बोला गया है अवतीरेण स कारुण्य परिच्छीन सद ईश्वरो श्री कृष्ण चैतन्य निंद नित्यानंदयो द्वयो द्वयो भ्रातरयो भजे। मैं तो यहाँ पे वृंदावनदास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं इन दोनों भाइयों का, श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद का, जो इस संसार में उत्पन्न हुए हैं अवतरित हुए हैं, ये वास्तव में सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परम नियंत्रक हैं। वे वास्तव में करुणा के, करुणा का देह धारण करके, करुणा के अवतार के रूप में, उनका देह करुणामय। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर इसकी टिप्पणी में लिखते हैं, यहाँ पे जो शब्द आया परिच्छेनव, उसका मतलब है आध्यात्मिक जो लीलाएं हैं स्वयं रूप की, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ से तो भगवान स्वयं रूप है,
और नित्यानंद प्रभु स्वयं प्रकाश है, उनकी लीलाओं में बहुत सारी वैरायटी है। गौर नित्यानंद और कृष्ण बलराम एक दूसरे से अभिन्न है, लेकिन उन्होंने दो रूप स्वीकार किए, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। भ्रातर मतलब दो ब्रदर, ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये जन्म वाले भाई नहीं, माता के उदर वाले, सह उदर, दोनों सेम उदर से उत्पन्न वो वाले नहीं भाई, ये दोनों आध्यात्मिक है, एक स्वयं रूप है और एक स्वयं प्रकाश। उनके दोनों के लीलाओं में कोई डिफरेंस नहीं, एक स्वयं रूप है और एक स्वयं प्रकाश, इसलिए वो दोनों भाई जो है ब्रदर हैं, आध्यात्मिक रूप से दोनों ब्रदर हैं। इसके बाद आगे बोला गया है, सजयति विशुद्ध विक्रम कनकाभ कमला अयतेक्षण वरजानो विलंबी सद्भुजो बहुधा भक्ति रसाभिनर्तक। मैं गौर सुंदर की जय हो, जिनकी शक्तिशाली क्रियाकलाप सुप्रीमली प्योर है, जिनका शरीर पिघले हुए सोने के समान सुंदरता देने वाला है, जिनकी आंखें लोटस के कमल के पत्तों के समान है, और जिनकी छह भुजाएं, ये षडभुज गौरांग महाप्रभु कई जगह षडभुज रूप में दर्शन दिया है, क्योंकि इन्हीं में राम का भी दो भुजाएं राम की और दो भुजाएं कृष्ण की और दो भुजाएं चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु की भुजा में कमंडल है, कमंडल चैंटिंग बैग, कृष्ण की भुजा में बांसुरी लकुटी और रामचंद्र के विजय में धनुष बाण। उनकी जो छह भुजाएं नीचे तक घुटने तक जाती है, और उनका हृदय चैतन्य महाप्रभु का हृदय जो है प्रेम से विप्लित है, विपल्पित है, प्रेम से भरा हुआ है, और वो कीर्तन के समय अलग अलग तरीके से डांस कर। इसमें शब्द आया बहुधा भक्ति रसाभिनर्तक, जब पांच रस जो मुख्य रस है और सात गौण रस कंबाइन होते हैं एक दूसरे से बनते, तो उसको बोलते हैं भक्ति रस। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भक्तों के आसक्ति के विषय हैं, इन पांच रसों में से एक वो चैतन्य गौर सुंदर जो है उन लोगों के साथ डांस करते हैं जिन्होंने उनकी शरण ले रखी। पांचवें श्लोक में कहा गया जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्ति स तस्य नित्य पवित्र जयति जयति भृत्यस तस्य विश्वेश मूर्तर जयति जयति नृत्यम तस्य सर्व प्रियान। बोलेंगे ऑल ग्लोरीज टू चैतन्य चंद्र, चैतन्य चंद्र की जय हो, जयति जयति चैतन्य चंद्र की जय हो,
जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और आध्यात्मिक लीला के धाम है, उनकी सारी शुद्ध आध्यात्मिक क्रियाओं की जय हो। गौर सुंदर जो है वो सारे कंट्रोलर के कंट्रोलर हैं, पूरे ब्रह्मांड की यूनिवर्स के लॉर्ड हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के देहधारी हैं। उनकी जय हो, उनके डिवोटीज की जय हो और उनके पार्षदों की जय। गौर सुंदर ने जब नवदीप छोड़ा था तो उनके फॉलोअर्स जो है, उनके अनुयायी थे, उनको श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र बोलने लगे। पहले गौर सुंदर थे, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र हो गए थे, जो संबंध के विग्रह। श्री रूप गोस्वामी अपने प्रेम में बोलते हैं, कृष्ण है कृष्ण चैतन्य नमने गौरित से नमो। मैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने गोल्डन कलर, राधा रानी के गोल्डन कलर स्वीकार किया। बाद में उनको श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जानने लग गया। वो दोनों पूरे जगत को अपने आशीर्वाद से और भगवान कृष्ण की महिमा सुना के सबको पर कृपा करते। जिन लोगों जो अचेतना जो है, अचेतना आश्रय जिनमें स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं, आध्यात्मिक चेतना नहीं, वो ये समझ नहीं सकते। गौर लीला में भगवान ने कृष्ण ने कृष्ण चैतन्य नाम स्वीकार किया। किसलिए? लोगों की भौतिकता वाली प्रोपेंसिटी जो है उसको जागृत करने के लिए। जो अचैतन्य है मतलब जिनकी लीला, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनकी लीला, उनके चेतना को जागृत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण चैतन्य नाम से कहा। गौर सुंदर जो महावादन्य है, मोस्ट मैग्नानिमस, सबसे उदार है, तो कृष्ण प्रेम पदायत है, सबको कृष्ण प्रदान देने वाले हैं। सारे के सारे भक्त जो विशंबर के सर्वेंट है, सेवक है, जो विशंबर स्वयं गोलोक के स्वामी है, उनके पालन स्वयं गौर सुंदर करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के सारे फॉलोअर्स के पास सारी वेल्थ है और सारा ऐश्वर्य, सारा धन है, सारा ऐश्वर्य। जय हो श्री श्री दामोदर की जय हो, श्री रामानंद राय की जय हो, वक्रेश्वर पंडित की जय हो और दूसरे जो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं उनकी जय। जो गोपियों के मूड में हमेशा चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर सबको एक एक करके प्रणाम कर रहे हैं। आज इस लीला को यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद वृंदावन दास ठाकुर और भी आगे सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर लीला को आगे बढ़ाएंगे। एक के बाद एक कई लीला जिसमें कईयों को प्रणाम कर रहे हैं, इसको सबको श्रवण करने के बाद में फिर हम आगे की लीला प्रारंभ करेंगे। तो आज इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र का जप करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।